हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त 3rd वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट उसके ऊपर। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट उसके ऊपर हमारी पहली न्यूज़ है। अभी बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट क्या है, बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो हमको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है कि जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी पड़ा है। ये पर्सन है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी पड़ा है, तो वो ब्लैक मनी के ऊपर से अगर वो अपने खुद के नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लेगा तो इनकम टैक्स वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये पर्सन की इनकम तो इतनी है, लेकिन ये इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों परचेस कर सकता है, कैसे परचेस कर सकता है। तो वो ब्लैक मनी से वो अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी कर खरीदेगा तो पता चल सकता है इनकम टैक्स को, गवर्नमेंट को, राइट। तो ये जो पर्सन के पास ब्लैक मनी ज़्यादा होती है, तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है उस ब्लैक मनी से, तो वो क्या करता है, कोई थर्ड पार्टी के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पार्टी के नाम के ऊपर वो लेता है कैसे, और ये जो थर्ड पार्टी है जिसके नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी लेता है उसको बेनामीदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेनामीदार। और जो पर्सन जिसके पास ब्लैक मनी था, उसने थर्ड पार्टी के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लिया, उस पर्सन को बेनिफिशियल ओनर, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, भले वो ब्लैक मनी है लेकिन उसको बेनिफिट मिलने वाला है, और जिसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ली जाती है उसको बेनामीदार बोला जाता है, राइट। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये इलीगल एक्टिविटी है। इसके लिए इंडिया के अंदर एक एक्ट भी है इस एक्टिविटी को रोकने के लिए, और इस एक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं इसके लिए रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, राइट फ्रेंड्स। ओके, अभी क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, ये एक्ट कौन सा एक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी सेक्शन 32 ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 को अभी अपहोल्ड कर दिया है, उसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया है, और उसको क्या बोला है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग मैनिफेस्टली आर्बिट्री। अभी इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 32 ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी कुछ टाइम के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, मतलब वो इनएक्टिव हो गया है। अभी क्यों हो गया है इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये सेक्शन 32 जो अभी अपहोल्ड किया गया है वो एक्चुअली है क्या, तो ये जो ओरिजिनल एक्ट है बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का है। ओरिजिनल एक्ट कौन से साल का है, 1988 का, और आप यहाँ पे देख सकते हो। और उस ओरिजिनल एक्ट का कौन सा सेक्शन यहाँ पे अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 32, वो वाला एक्ट अपहोल्ड किया गया है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन 33 है, और वो कौन सा एक्ट है, 2016। मतलब ये जो 1988 में जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट बनाया गया था, ये इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए उसको मॉडिफाई किया गया था, उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, कब, 2016 के अंदर। और जो सेक्शन 32 1988 के अंदर था वो अभी सेक्शन 33 2016 के एक्ट के अंदर है। और ये सेक्शन 33 के अंडर में अगर कोई ये इलीगल एक्टिविटी करता है, ये बेनामी ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो इसको है ना 7 साल की सज़ा मिलती है, और 25% जो प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस होती है उसका 25% उसको पेनल्टी देना पड़ता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 33 ऑफ द 2016 एक्ट। लेकिन अगर मैं सेक्शन 32 ऑफ 1998 एक्ट की बात करूँ ना, तब यही सज़ा कितनी थी, मात्र 3 साल की जेल। यहाँ पे पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बिफोर 2016 जो ये बेनामी ट्रांजेक्शन करेगा उसको कितनी पेनल्टी लगती थी, 3 साल की जेल, मात्र 3 साल की जेल उसको इतनी सज़ा होती थी बिफोर 2016। लेकिन आफ्टर 2016 क्या हो रहा है, 7 साल की जेल मिल रही है, 7 ईयर्स जेल, और उसके अलावा
और उसके अलावा 25% पेनल्टी, जो प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस है उसकी 25% पेनल्टी, राइट। ये आफ्टर 2016, बराबर ना। तो अथॉरिटीज़ जो ये चार्ज लगाती है वो क्या करती है कि जो भी कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है कि जो 2014 के अंदर वो पकड़ा गया है ये बेनामी ट्रांजेक्शन करता हुआ, तो उसके ऊपर भी है ना 2016 के बाद वाले चार्जेस लगाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अभी 2016 से पहले जो भी पर्सन ये इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा लगना चाहिए, 3 साल की जेल ही लगनी चाहिए 2016 से पहले अगर वो पकड़ा गया है तो, 2016 से बाद में जो पकड़ा गया है उसके ऊपर ही ये चार्ज लगने चाहिए, राइट। तो इसके लिए 2016 से पहले जो पकड़े गए हैं ये इलीगल एक्टिविटी करते हुए हैं तो उनके लिए, उनको सजा देने के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन 3(2) जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 था, बराबर ना, वही आपको इम्प्लीमेंट करने को बोला है, राइट। और 2016 के बाद जो पकड़े गए हैं उनके अंदर ये सेक्शन 3(3) 2016 एक्ट वाला इम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये चीज़ हुई है, इसलिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट कौन से साल में वो इम्प्लीमेंट किया गया, 1988 के अंदर, उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया, 2016 के अंदर, राइट। और 2016 के अंदर सेक्शन 3(3) है जिसमें ये प्रावधान लिखा है कि कितनी पेनल्टी और कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, और 1988 वाले एक्ट के अंदर सेक्शन 3(2) था कि कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उस टाइम 3 साल की सज़ा थी और अभी 7 साल और प्लस 25% पेनल्टी है। तो 2016 से पहले जो पकड़ा गया है तो उसके ऊपर पुराने वाली सज़ा ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और 2016 से बाद में जो पकड़ा गया है उसके ऊपर ये जो नया अमेंडमेंट किया है उसकी वो वाली सज़ा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, राइट। तो ये रिसेंट न्यूज़ थी, ओके फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई बेनामी प्रॉपर्टी किसको किसको बोला जाता है, तो एनी प्रॉपर्टी विच इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द सच प्रॉपर्टी, बराबर ना। कि जो बेनामी ट्रांजेक्शन में जो भी प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी बोला जाता है। बेनामीदार किसको बोला जाता है, अ पर्सन और अ फिक्शियस पर्सन। अभी फिक्शियस पर्सन मतलब क्या होता है कि कई बार है ना, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन के पास ब्लैक मनी है वो कोई तीसरे पर्सन के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी परचेस करता है, तो कई बार वो तीसरा पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। इसके लिए यहाँ पे फिक्शियस पर्सन भी बोला गया है। अब पर्सन और फिक्शियस पर्सन एज अ केस में भी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम, राइट। कि जो पर्सन के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी ली गई है, बराबर ना, भले वो फिक्शियस पर्सन ही क्यों ना हो लेकिन उसको बेनामीदार बोला जाता है। और बेनिफिशियल ओनर किसको बोला जाता है, अ पर्सन वेदर इज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट फॉर हुज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द बेनामीदार। कि बेनामीदार ने जो पर्सन को बेनिफिट करने के लिए प्रॉपर्टी हेल्ड की है उस पर्सन को बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो तीनों तीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है। अभी ये आर्टेमिस 1 मिशन क्या है उसके बारे में देखते हैं कि रिसेंटली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इज अबाउट टू लॉन्च इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम, राइट। अभी ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मिशन है आर्टेमिस 1 मिशन, और ये आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है मार्स एक्सप्लोरेशन करना। क्या एक्सप्लोरेशन करना, मार्स, मार्स एक्सप्लोरेशन करना। आर्टेमिस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है मार्स एक्सप्लोरेशन करना। लेकिन ये जो आर्टेमिस 1 ये प्रोग्राम के अंदर में ये जो पहला मिशन लॉन्च किया गया है आर्टेमिस 1, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मून एक्सप्लोरेशन करना, मून एक्सप्लोरेशन, बराबर ना। मतलब यहाँ पे नासा का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मार्स का इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन पहले हम मून का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वाया मून हम मार्स तक जाएंगे, ऐसा नासा का क्राइटेरिया है कि हम मार्स का एक्सप्लोरेशन वाया मून करेंगे। मून का पहले एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसके उस मून के एटमोसफेयर के अंदर कितनी रहने की प्रोबेबिलिटी है ह्यूमन बींग्स की,
क्या क्या उसके अंदर कंडीशन है, पहले हम उसके एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसका एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम मार्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे, बराबर ना। तो ओवरऑल अगर आपको पूछा जाए कि भाई अर्टेमिस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है मार्स एक्सप्लोरेशन, और अर्टेमिस वन का जो इस सीरीज का जो पहला मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मून एक्सप्लोरेशन, बराबर ना। तो अभी रिसेंटली अर्टेमिस वन अभी लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, जो एक अनक्रूड मिशन होगा। अनक्रूड मिशन मतलब कोई एस्ट्रोनॉट इस मिशन के अंदर नहीं जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए, राइट। और इस अनक्रूड मिशन को लॉन्च कौन से रॉकेट के ऊपर से किया जाएगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के ऊपर से इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये अनक्रूड होगा तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ओरियन क्रू कैप्सूल, एक कैप्सूल होगा जो मून के एटमोस्फेयर के मतलब मून के अराउंड वो घूमेगा और इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा, ओरियन क्रू कैप्सूल, राइट। तो ये ओरियन क्रू कैप्सूल को कौन से रॉकेट के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के ऊपर, SLS रॉकेट के ऊपर से, राइट। ओके, अभी ये आर्टेमिस मिशन के सीक्वेंस कैसा रहेगा कि भाई वो कैसे लॉन्च किया जाएगा, किस तरीके से वो अर्थ एटमोस्फेयर के बाहर निकलेगा और किस तरीके से फिर वो मून के आसपास घूमेगा, बराबर ना। तो ये पूरा सीक्वेंस मैंने इस पूरे मिशन का यहाँ पे मैंने पिक्चराइज माध्यम से आपको दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो, राइट, है ना। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, अब ये जो ओरियन क्रू कैप्सूल है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला है, वो कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला है, कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कहाँ पे आया है, फ्लोरिडा USA के अंदर, राइट। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ कि आर्टेमिस वन मिशन किस तरीके की उसकी सीक्वेंस रहेगी पूरे मिशन की, तो सबसे पहले उसका जो ट्रेजेक्टरी है जो मून का, आफ्टर द लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट विल बी ऑर्बिट द अर्थ एंड डिप्लॉय इट्स सोलर एरेज, बराबर ना। पहले वो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूमेगा, राइट, और उसके सोलर एरेज को वो डिप्लॉय करेगा। नेक्स्ट, द इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज ICPS विल गिव ओरियन, जो ओरियन क्रू कैप्सूल है उसको थोड़ा सा पुश करेगा टू हेल्प इट लीव द अर्थ ऑर्बिट, बराबर ना। ये जो ओरियन क्रू कैप्सूल के अंदर इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज है ICPS, वो थोड़ा सा ओरियन क्रू कैप्सूल को पुश करेगा ताकि वो अर्थ ऑर्बिट में से बाहर निकले एंड ट्रैवल टुवर्ड द प्लैनेट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, राइट, जो कौन है, मून। देन विथ इन अबाउट टू 2 आवर्स फ्रॉम द लॉन्च टाइम, वेन द स्पेस क्राफ्ट इज ऑन द ट्रेजेक्टरी टू द मून, इट विल सेपरेट फ्रॉम द ICPS, बराबर ना। कि आफ्टर द लॉन्च 2 घंटे के बाद, बराबर ना, स्पेस क्राफ्ट जो जो रॉकेट है, वो ये ICPS से सेपरेट हो जाएगा और ICPS वो आगे मून की तरफ चलेगा, राइट। मून ऑर्बिट अगर मैं बात करूँ, ऑन इट्स पाथ टू द मून ओरियन विल बी प्रोपेल्ड बाय द सर्विस मॉड्यूल बिल्ट बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी आप सोचोगे सर स्पेसक्राफ्ट तो सेपरेट हो गया जब वो ट्रैवल कर रहा था मून की तरफ, लेकिन अभी मून के आसपास उसको घूमने के लिए कौन पावर दे रहा है, तो एक सर्विस मॉड्यूल जो किसके तरफ प्रिपेयर किया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, बराबर ना। तो अपार्ट फ्रॉम द सप्लाइंग द स्पेस क्राफ्ट प्रपल्शन सिस्टम एंड पावर, द सर्विस मॉड्यूल इज ऑल्सो डिजाइन टू हाउस एयर एंड वाटर फॉर द फ्यूचर क्रूड मिशन। ये जो सर्विस मॉड्यूल है ना, वो प्रपल्शन सिस्टम तो प्रोवाइड कर ही रहा है स्पेस क्राफ्ट को, वो एयर एंड वाटर भी प्रोवाइड करेगा फ्यूचर क्रूड मिशन के लिए, बराबर ना। तो वंस इट एंटर्स द मून्स ऑर्बिट द स्पेस क्राफ्ट विल बी कलेक्ट द डेटा। तो जैसे ही वो मून के ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा वो डेटा को कलेक्ट करेगा, बराबर ना। अभी ये आर्टेमिस वन मिशन का पूरा सीक्वेंस कैसे रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वो मून तक जाएगा कैसे उसके बारे में बात करते हैं, कि आफ्टर लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट विल बी ऑर्बिट द अर्थ एंड डिप्लॉय इट्स सोलर एरेस, बराबर ना। कि हाँ, और अर्थ के आसपास वो घूमेगा और सोलर एरेस को डिप्लॉय करेगा। नेक्स्ट, द इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज विल गिव ओरियन, जो क्रू कैप्सूल है उसको थोड़ा सा पुश करेगा टू हेल्प इट लीव द अर्थ ऑर्बिट एंड ट्रैवल टूवर्ड द प्लैनेट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये अर्थ ऑर्बिट्स में से बाहर निकलने के लिए इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज उसके अंदर फीड किया गया है ओरियन कैप्सूल के अंदर, जो उसको पुश करेगा अर्थ ऑर्बिट में से बाहर निकलने के लिए, राइट। देन विद इन द अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम द लॉन्च टाइम, वेन द स्पेस क्राफ्ट इज ऑन द ट्रेजेक्टरी टू द मून,
इट विल सेपरेट फ्रॉम द ICPS, जो उसको पुश कर रहा था वो उसको थोड़ा सेपरेट किया जाएगा। और स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे जा रहा है अभी? मून की तरफ, राइट। अभी मून ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है कि ऑन इट्स पाथ टू द मून ओरियन विल बी प्रोपेल्ड बाय द सर्विस मॉड्यूल। अभी ICPS तो सेपरेट हो गया, उसको प्रोपेल कौन कर रहा है? सर्विस मॉड्यूल। और ये सर्विस मॉड्यूल किसने प्रिपेयर किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो सर्विस मॉड्यूल ना सिर्फ प्रपल्सन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ओरियन को, वो एक्चुअली उस सर्विस मॉड्यूल के अंदर एयर और वाटर भी रखा जाएगा फॉर द फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए, राइट। तो वंस इज एंटर द मून्स ऑर्बिट, स्पेसक्राफ्ट जब मून्स ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा फिर वो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऐसा पूरा एक सीक्वेंस है, अगर मैं नॉर्मल एक गिस्ट बता दूँ ये पूरे मिशन की तो, राइट। अगर मैं मून एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री की बात करूँ तो 1959 के अंदर सोवियत यूनियन के द्वारा सबसे पहले अनक्रूड लूना 1 और लूना 2, ये दो मिशन लॉन्च किए गए थे सोवियत यूनियन के द्वारा, वो भी अनक्रूड थे। अगर मैं क्रूड मिशन की बात करूँ तो 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग अलोंग विद द एडविन बस अल्ड्रिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून, राइट। 1969 के अंदर जो यूएस के द्वारा अपोलो 1, अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था उसके बारे में, राइट। तो बिफोर द यूएसए सेंड द अपोलो 11 मिशन टू द मून, इट सेंड द 3 क्लासेस ऑफ द रोबोटिक मिशन बिटवीन द 1961 एंड 1968, बराबर ना। तो सबसे पहले अनक्रूड मिशन किसने लॉन्च किया? सोवियत यूनियन ने, बराबर ना। लूना 1 और लूना 2। सबसे पहले क्रूड मिशन किसने लॉन्च किया? यूएसए। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले पर्सन बने मून के ऊपर पैर रखने वाले, राइट, जो अपोलो 11 मिशन के अंदर ये सक्सेसफुल रहा, बराबर ना। अगर मैं हमारे इसरो की मून एक्सप्लोरेशन के एफर्ट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था अंडर द चंद्रयान प्रोजेक्ट, जो 2007 के अंदर शुरू हो गया था लेकिन वो एग्जीक्यूट हो पाया 2016 के अंदर, बिकॉज चंद्रयान 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने रशिया के साथ पार्टनरशिप की थी, रशिया की जो रॉस्कॉसमोस नाम की कंपनी है उसके साथ, राइट। तो उस वो जो लैंडर और रोवर बना रहा था, रशिया क्या बना रहा था चंद्रयान 1 के अंदर? लैंडर और रोवर। लैंडर और रोवर क्या होते हैं कि जो जब सैटेलाइट कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल मून के ऊपर, तो मून के सरफेस के ऊपर जो लैंड करवाता है जो सिस्टम उसको बोलते हैं लैंडर। और वो लैंड लैंड करने के बाद जो चीज़ कैमरास जो चीज़ फोटोज़ कैप्चर करने के लिए यूज़ होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज़ होती है, उसको बोलते हैं रोवर। तो ये लैंडर और रोवर चंद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर कौन बना रहा था? रशिया बना रहा था, और इसने डिले कर दिया इसलिए हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया 2016 के अंदर, राइट। फिर हमने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 हमने 2020 के अंदर, राइट। और उसके अंदर लैंडर और रोवर क्या थे? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था क्या? प्रज्ञान। और दोनों हम इंडिजिनियसली बनाए थे हमने, बराबर। इस जो चंद्रयान 1 के अंदर जो हमने रशिया के साथ बनवाए थे लैंडर और रोवर, वही चंद्रयान 2 के अंदर हमने इंडिजिनियसली बनाए हैं विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 हम कब लॉन्च करने वाले? 2023 के अंदर। और ये तीनों तीन प्रोजेक्ट चंद्रयान 1, 2, 3 किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है, सजेस्ट अ नेम फॉर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, राइट। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम अभी लॉन्च की गई है उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैज अनाउंस दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन फर्टिलाइजर बाई इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर द फर्टिलाइजर्स एंड लोगो अंडर द फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम नेम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अभी ये स्कीम क्या है, ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या है उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि अभी तक आप जो भी, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में एक फर्टिलाइजर की बैग परचेस करने के लिए जाते हो तो उस बैग के ऊपर जो लेबलिंग किया गया है उस लेबलिंग के ऊपर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो फर्टिलाइजर का, या तो फिर वो फर्टिलाइजर जहाँ से भी हमने इंपोर्ट करवाया है उस मैन्युफैक्चरर या तो फिर इंपोर्टर का ब्रांड नेम होगा उस बैग के ऊपर, उसकी ब्रांड नेम होगा, राइट। और लोगो भी उसका ही होगा, राइट। अभी तक यही प्रैक्टिस चली आ रही है कि जो भी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है या तो फिर जो भी इंपोर्टर ने उसको मंगवाया है तो वो इंडिया के अंदर उसको सर्कुलेट करने के लिए उसके ऊपर लेबल कौन सा लगवाएगा? अपने ही नाम का।
और लोगो भी अपने ही नाम का लगवाएगा, राइट। तो अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई अभी से जो बैग मिलेगी ना फर्टिलाइजर की, उस बैग के 1/3 पार्ट के ऊपर ये लोगों मतलब मैन्युफैक्चरर का और इंपोर्टर का ब्रांड नेम और लोगों का नाम होगा और लोगो होगा, और बाकी के 2/3 पार्ट के ऊपर एक सिंगल ब्रांड नेम और ब्रांड का नाम क्या होगा, भारत। भारत एक सिंगल ब्रांड नेम और ब्रांड का नाम होगा भारत, और लोगो किसका होगा, ये स्कीम का, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, राइट। तो यहाँ पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर मतलब गवर्नमेंट ये मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को बोल रही है कि आप मुझे बना के या तो फिर इंपोर्ट करवा के आप मुझे प्रोवाइड करो, मैं जनता तक प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट। मतलब मार्केटिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, बराबर ना, राइट। चीज़ें कंज्यूमर एंड तक कम कौन पहुंचा रहा है, गवर्नमेंट पहुंचा रही है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ये एक सिंगल ब्रांड, गवर्नमेंट की ब्रांड का नाम क्या है, भारत, और लोगों किसका रहेगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये परियोजना वही है कि जिसके ऊपर फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, राइट फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये पूरी स्कीम है, राइट। अब ये वन नेशन फर्टिलाइजर, वन फर्टिलाइजर लॉन्च करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फर्टिलाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। वो एक तो अगर हम फर्टिलाइजर की क्वालिटी के अंदर कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वो खेती को तो नुकसान पहुँचाएगा ही, उसके अलावा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लाइफ है उसको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो उसके क्वालिटी के अंदर डिग्रेडेशन नहीं आना चाहिए। तो अभी ये मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स क्या करते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है तो वो सस्ते दाम के ऊपर प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी के साथ वो डिग्रेडेशन करते हैं, राइट। क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो क्वालिटी के साथ डिग्रेडेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप सभी को मुझे ही प्रोवाइड करना है, मेरी एक संस्था है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके साथ वो टेस्ट करवा के फिर आगे मेरी ही ब्रांड से मैं बेचूंगा, राइट। और अगर जनता को उससे कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट ही रहेगी, फिर वो कोई मैन्युफैक्चरर के पास या फिर इंपोर्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा न्यूज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि भाई वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर क्या होगा, तो अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम, ब्रांड, लोगो एंड अदर रिलीवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन द 1/3 स्पेस ऑफ देयर बैग्स, राइट। ऑन द रिमेनिंग 2/3 स्पेस द भारत ब्रांड एंड द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो विल हैव टू बी शोन, राइट। तो रिमेनिंग 2/3 पार्ट के ऊपर एक सिंगल ब्रांड नेम भारत होगा और लोगो किसका होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पॉसिबल ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, तो इट विल बी डिस इंसेंटिवाइज ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज फ्रॉम अंडरटेकिंग द मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज। तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर से कंपनीज अपना मार्केटिंग नहीं कर पाएगी, राइट। तो कंपनीज बस जस्ट खाली गवर्नमेंट को जाके उसको देना है, उसको कोई मार्केटिंग करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकती, राइट। दे विल नाउ बी रिड्यूस टू कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स फॉर द गवर्नमेंट, राइट। तो वो गवर्नमेंट के लिए ही अभी वो अभी किसके लिए का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसके लिए इम्पोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट के लिए। करंटली इन केस ऑफ एनी बैग और बैच ऑफ द फर्टिलाइजर्स नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स द ब्लेम इज पुट ऑन द कंपनी, राइट। तो अभी क्या होता है कि अगर कोई बैच ऑफ द फर्टिलाइजर या तो फिर कोई बैग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करती है तो ब्लेम किसके ऊपर जाता है, कंपनी के ऊपर, लेकिन नाउ दे मे बी पास ऑन फुल्ली टू द गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये एक बुरी चीज़ है। ओके, तो आप आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन ऑन September 2। अभी ये एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कमीशन होने वाला है 2 सितंबर को, वो क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रेंड्स ऐसा वैसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये विक्रांत इंडिया ने खुद से बनाया हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर 76% जितनी भी चीज़ यूज़ की गई है उसमें से 76% चीज़ें इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है, राइट। और ये जो INS विक्रांत जो बना है उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, 1600 करोड़ रुपये का,
और 76% चीज़ें इंडिया के अंदर बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई है, इसलिए वो इंडिजिनसली बनाया हुआ इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम क्या है, विक्रांत, राइट। ओके, तो हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो INS विक्रांत, ये नाम किसके ऊपर से रखा गया? तो ये नाम जो है ना वो विक्रांत के ऊपर से ही रखा गया है, क्योंकि ये हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था ना, उसका नाम भी INS विक्रांत था, तो उसी के नाम के ऊपर से ये जो इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसी के नाम से ऊपर से वो बनाया गया है, INS विक्रांत। INS विक्रांत हैव एयर कंपोनेंट ऑफ द 30 एयरक्राफ्ट। 30 एयरक्राफ्ट एक साथ पार किए जा सकते हैं इसके ऊपर, अगर मैं उसकी कैपेबिलिटी की बात करूँ तो। और ये 30 एयरक्राफ्ट के अंदर कौन कौन से जो मेन मेन फाइटर जेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो MiG-29 के फाइटर जेट, KMO-31 एयरबोर्न, राइट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स एंड द MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, राइट। और उसके अलावा INDIGNSTY बनाए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, राइट ना। तो ये कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट उसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, और एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, इतनी बड़ी कैपेसिटी है उसकी, बराबर ना। अगर मैं उसकी स्पीड की बात करूँ तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ टॉप स्पीड ऑफ 30 नॉट्स। अभी शिप्स की जो स्पीड है वो नॉट्स के अंदर मेज़र की जाती है, अगर मैं उसको किलोमीटर पर आवर में मेज़र करूँ तो 55 किलोमीटर पर आवर ये उसकी टॉप स्पीड है। एंड इट इज़ प्रोपेल्ड बाई द 4 गैस टर्बाइंस। इट्स एंड्योरेंस इज 7,500 नॉटिकल माइल्स एट 18 नॉट्स, बराबर ना, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ओके, यहाँ पे हमने जो बात की कि भाई एयरक्राफ्ट के ऊपर कौन कौन कितने एयरक्राफ्ट के वो कैरी कर सकते हैं, 30 एयरक्राफ्ट, उस वो एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ अलग अलग वेपन्स भी वो कैरी कर सकता है। अभी कौन कौन से वेपन्स, तो एक तो बराक LR सरफेस टू एयर मिसाइल, AK-360, राइट, एंड REN-40L 3D रडार्स, बराबर ना, वो सेंसर की तरीके से काम करेगा, बराबर ना, तो ये उसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ा रहा है। ओके, अगर मैं कैरियर की लेंथ की बात करूँ तो टोटल वो 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर विथ है उसकी, और उसकी डेप्थ कितनी है, 30 मीटर, राइट। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो पानी के ऊपर है और उसके नीचे, उसकी डेप्थ कितनी है, 30 मीटर, बराबर। टोटल 14 डेक्स है पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, कितने डेक्स है, 14 फ्लोर्स है, इंक्लूडिंग द 5 इन द सुपर स्ट्रक्चर, बराबर ना। तो 5 सुपर स्ट्रक्चर के अंदर है, मतलब पानी के नीचे और 9 ऊपर है, पानी के ऊपर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था डिजिटल करेंसी के ऊपर, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भाई जो इंडियंस हैं वो टोटल पॉपुलेशन में से मोर देन 7% पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी है। तब मैंने आपको डिजिटल करेंसी क्या होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तब मैंने आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर भी आपको समझाया था, राइट। तो आज वो फिर से न्यूज़ में आया है, अभी वो क्यों आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स, द RBI डिजिटल रूपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मे बी इंट्रोड्यूस इन द फेसिस बिगिनिंग विथ द होलसेल बिजनेसिस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। RBI बता रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को शायद वो इस फाइनेंशियल के अंदर वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, और किस से स्टार्टिंग करेगा, होलसेल बिजनेसिस से, राइट। एंड ये कौन से एक्ट में अमेंडमेंट करके RBI ये इम्प्लीमेंट करवाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में, राइट। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि भाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, कि आपकी जो अभी फियाट मनी है, फियाट मनी मतलब क्या, फियाट मनी मतलब जो भी चीज़, जो करेंसी जो नोट के फॉर्म में है और कॉइन के फॉर्म में है, चाहे फिर वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे फिर वो फिजिकल फॉर्म में हो या तो फिर डिजिटल फॉर्म में हो, राइट। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए फियाट मनी की, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि
कि अगर कोई भी करेंसी कोई संस्था के द्वारा, मतलब हमारे यहाँ पे RBI है, कोई सरकार के द्वारा, या तो फिर अगर कोई सरकार नहीं है तो कोई राजा रानी के द्वारा, राइट, अगर इसके द्वारा कोई करेंसी इशू की गई है, रेगुलेट की जा रही है, और दूसरी बात कि अगर वो करेंसी नोट के फॉर्म में या तो फिर सिक्के के फॉर्म में है, अगर वो फिजिकल होगी तो भी चलेगा, डिजिटल होगा फिर भी चलेगा, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो फियाट मनी कहलाया जाता है, राइट। तो फियाट मनी देखो, हमारा जो ये क्रिप्टो कॉइन है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन अगर मैं बात करूँ तो उसका जो शेप है ना, वो कॉइन का जैसा शेप होता है ना वैसा है, लेकिन क्या हम बिटकॉइन के अंदर कोई भी रेगुलेशन अभी है इंडिया के पास? ये बिटकॉइन का जो शेप है वो कैसा है? ये कॉइन जैसा, लेकिन कौन से फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, राइट। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए कि वो किसी के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए, क्या इंडिया के अंदर बिटकॉइन अभी रेगुलेटेड है? नहीं है, तो बिटकॉइन फियाट मनी नहीं है, राइट। ओके, तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है कि जो आपकी जो पेपर फियाट मनी है, पेपर फॉर्म में जो फियाट मनी है, वही सेम फियाट मनी डिजिटल फॉर्म में होगी, उसको प्रिंट नहीं करना है। वही 50 रुपये की नोट, वही 100 रुपये की नोट, वही 2,000 की नोट, वही 500 की नोट डिजिटल फॉर्म में होगा, उसको प्रिंट नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर द डिजिटल फॉर्म ऑफ द पेपर करेंसी एंड अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है वो, दैट ऑपरेट इन द रेगुलेटरी वैक्यूम, दिस आर लीगल टेंडर्स इश्यूड एंड बैक बाय द सेंट्रल बैंक। लीगल टेंडर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो लीगल टेंडर के लिए दो कंडीशन, अगेन लीगल टेंडर किसको बोला जाता है? तो पहली कंडीशन तो है वो है कि अगर कोई करेंसी फियाट मनी है, और दूसरा वो सभी जगह पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सभी जगह पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अभी 500 और 1,000 की जो पुरानी नोट है वो फियाट मनी तो है, क्योंकि वो नोट के फॉर्म में है और गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा इशू की गई थी, लेकिन वो क्या अभी सभी जगह पे एक्सेप्टेबल है? नहीं है, तो वो लीगल टेंडर नहीं कहलाएगी। तो लीगल टेंडर किसको बोला जाता है? कि जो फियाट मनी हो और सभी जगह पे एक्सेप्टेबल हो। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो पेपर करेंसी का डिजिटल फॉर्म है, वो लीगल टेंडर भी बनता है अगर उसको रेगुलेट किया जाए तो, राइट। इट इज सेम एज अ फियाट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल वन टू वन विद द फियाट करेंसी, राइट। क्या फियाट करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो? और फियाट करेंसी इज अ नेशनल करेंसी दैट इज नॉट पेग्ड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सच एज अ गोल्ड और सिल्वर, राइट। द डिजिटल फियाट करेंसी और द CBDC कैन बी ट्रांजेक्शन यूजिंग द वॉलेट्स बैक बाई द ब्लॉकचेन। क्या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आप उसका ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो वॉलेट के माध्यम से, और वो वॉलेट कौन से सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है, कौन से टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है? ब्लॉकचेन से, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है कि उसका डेटा एक साथ ज़्यादा, एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर होगा, राइट। तो अगर कोई डेटा अगर फॉर एग्जांपल चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, तो आप दूसरी जगह से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। ओके, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। तो अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर से ट्रांजेक्शन कर सकते हो कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट करवाने का RBI का? तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिटिगेट द रिस्क एंड ट्रिम द कॉस्ट इन हैंडलिंग द फिजिकल करेंसी, कॉस्ट ऑफ द फेजिंग आउट द सोल्ड नोट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स। इट विल ऑल्सो विन पीपल अवे फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी तो RBI को ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से जो पर्सन अभी, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन को ऐसा है कि भाई करेंसी तो होनी चाहिए डिजिटली, पेपर करेंसी उनको पसंद ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी देश के लिए हानिकारक है। ओके, क्योंकि दो पर्सन के बीच में बिटकॉइन से अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो तीसरे पर्सन को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है उसका। ओके, अगर मैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की हिस्ट्री की बात करूं तो बहामस हैज़ बीन द फर्स्ट इकोनॉमी टू लॉन्च इट्स नेशन वाइड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और उसकी करेंसी का नाम क्या है? सेंट डॉलर। नाइजीरिया इज अनदर कंट्री टू हैव रोल्ड आउट द ई नायरा इन 2020। चाइना बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू पायलट अ डिजिटल करेंसी ECNY इन अप्रैल 2020।
कोरिया, स्वीडन, जमैका एंड यूक्रेन आर सम ऑफ द कंट्रीज टू हैव बिगन द टेस्टिंग इट्स डिजिटल करेंसी एंड मेनी मोर हैव सुन फॉलो, राइट। तो मतलब बहुत सारे कंट्रीज इंप्लीमेंट करवाने के लिए जा ही रही है और ये तीन कंट्रीज ने तो इंप्लीमेंट भी करवा दिया है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ऊपर अभी ये न्यूज़ क्या है, किस लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो स्वच्छ भारत मिशन एक्चुअली कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, 2014 के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन वो 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2014 के 2 अक्टूबर के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अभी जो रिसेंट न्यूज़ है ना, वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ऊपर है, राइट। अब ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी दो फेज़ के अंदर लॉन्च किया गया है। उसका फेज़ वन का टाइम था 2014 से लेके 2020 तक, 2014 से लेके 2020 तक। और फेज़ वन का टारगेट क्या था, ODF स्टेटस अचीव करना। अभी ODF क्या है, उसका फुल फॉर्म है ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं करना है, राइट। जो ये फेज़ वन का टारगेट 2020 के अंदर ख़त्म हो गया है और फेज़ टू लॉन्च किया गया है 2021 से लेके 2025 तक। फेज़ टू कब कब तक लॉन्च किया गया है, 2021 से लेके 2025 तक, 2021 से लेके 2025 तक, राइट। और फेज़ टू का टारगेट क्या रखा गया है, पहला टारगेट है ODF प्लस। और ये ODF प्लस क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, कि जो फेज़ वन के अंदर जो ODF हमने अचीव किया है उसको मेंटेन रखना, उसको बोला जाता है ODF प्लस। और दूसरा टारगेट है ODF डबल प्लस, दूसरा टारगेट क्या है, ODF डबल प्लस। यहाँ पे ODF डबल प्लस के अंदर क्या किया जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा ODF डबल प्लस के अंदर। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन 2014 के अंदर लॉन्च किया गया, उसके दो पार्ट हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज़ वन लॉन्च किया गया 2014 से लेकर 2020 तक, उसका टारगेट था ओपन डेफिकेशन फ्री ODF। फेज़ टू लॉन्च किया गया 2021 से लेकर 2025 तक, उसका टारगेट रखा गया था ODF प्लस, राइट। कि जो मतलब ODF फेज़ वन में हमने अचीव किया था उसको मेंटेन रखना है। और सेकेंड टारगेट क्या था, ODF डबल प्लस, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। आप कोई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाओगे, अभी कोई भी बस स्टेशन के ऊपर जाओगे, तो आपको एक ही जगह पे दो डस्टबिन मिलते हैं, एक वेट कचरे के लिए और एक ड्राई कचरे के लिए। तो ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को पहले सेपरेट करना है, फिर उसको रिसाइकल करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। तो ये ODF डबल प्लस स्टेटस को अचीव करने के लिए ये किया गया है, बराबर ना। तो आपको पता चला कि भाई ये ODF, ODF प्लस, ODF डबल प्लस क्या है, राइट। और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वो कौन से मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो ये इतनी चीज़ें हैं कि जो आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता होनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो अभी इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा। ओके, अभी ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर ओवर 1 लाख विलेजेस डिक्लेयर्ड देम सेल्व्स इज अ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 1 लाख विलेज ने बोला कि भाई हमने ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस को अचीव कर लिया है। अभी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस मतलब कि हमने जो ODF अचीव किया था फेज़ वन के अंदर, वो हम मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं, राइट। तो अभी 1 लाख विलेजेस ने डिक्लेयर किया है देमसेल्स को कि भाई हम ODF प्लस स्टेटस को अचीव कर चुके हैं, राइट। दिस विलेजेस आर सस्टेनिंग देयर ODF स्टेटस, वो उन लोगों ने वो मेंटेन किया है, इसके लिए उनको ये स्टेटस दिया गया है। ओके, यहाँ पे मैंने ODF क्या है, ODF प्लस क्या है, ODF डबल प्लस क्या है, उसके बारे में आपको बताया है, राइट। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेन मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, उसमें दो पार्ट थे, ग्रामीण और अर्बन। और ये सभी कब लॉन्च हुए थे, 2014 के अंदर। और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव द यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट द फोकस ऑन द सैनिटेशन. द मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ नेशन वाइड कैंपेन जन आंदोलन विच एम एट एलिमिनेटिंग द ओपन डेफिकेशन इन द रूरल एरिया. राइट, ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था. अगर मैं फेस वन की बात करूँ तो फेस वन 2014 से लेकर 2020 तक का था, और 2014 से पहले अगर मैं बात करूँ कि ODF ओपन मतलब ओपन डेफिकेशन कितना था, तो रूरल सैनिटेशन कवरेज इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ऑन द 2 अक्टूबर 2014 वॉज रिपोर्टेड एज 38.7%. मतलब 2014 जब लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उससे पहले गांव के अंदर 100 में से 38.7% लोग ही खुले में शौच नहीं करते थे, बाकी मतलब ऑलमोस्ट 60% लोग खुले में शौच करते थे, ये मिशन से पहले की बात करें तो. बराबर ना, मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ द मिशन. एज अ रिजल्ट रूरल एरियाज इन द ऑल द स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ODF एज ऑन 2 अक्टूबर 2019. 2 अक्टूबर 2019 से पहले ही सभी विलेजेस ने जो रूरल एरिया के अंदर है वो अपने आप को ODF डिक्लेयर कर दिया है, कि जो पहले मात्र 38.7% लोग ही खुले में नहीं जाते थे बराबर ना शौच, राइट, अभी वो सभी लोग, अभी कोई भी लोग खुले में शौच क्रिया नहीं करने के लिए जा रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन फेस टू की बात करूँ ग्रामीण की, तो इट इंफेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अचीवमेंट्स अंडर द फेस वन जो ODF स्टेटस अचीव किया है वो, एंड टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बराबर ना इन द रूरल इंडिया. राइट, तो इसके दो टारगेट हैं, और उसके लिए बजट के अंदर 2021 से लेकर 2025 तक कितना प्रोवाइड किया गया है, 1.40 लाख करोड़ बराबर ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से, किसको प्रायोरिटी देके करना है, तो पहले तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना है, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मतलब हाउस होल्ड के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है उसका मैनेजमेंट करना है, और फेशियल स्लज मैनेजमेंट, ये चार चीज़ों को प्रायोरिटी देना है. राइट, अगर मैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर, तो सबसे टॉप परफॉर्मर है तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. राइट, वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ ODF प्लस बराबर ना, तो ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है. ओके, जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है बराबर उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी है, जो भी 2 अक्टूबर 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, और लेकिन वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बराबर ना. तो इसके कुछ अलग टारगेट है, तो वो हम नेक्स्ट वीक में उसका रिपोर्ट आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मिथिला मखाना. द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द ग्रोअर्स गेट द मैक्सिमम प्राइस फॉर देयर प्रीमियम प्रोड्यूस. अभी ये GI टैग क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई रीजन के अंदर कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ प्रोड्यूस होती है जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होती, और वो अगर कंज्यूमर कंज्यूम करे ना तो उनके लिए वो बेनिफिट भी करती है. राइट, तो वो पर्टिकुलर रीजन की प्रोडक्ट की जो एक यूनिक है, राइट, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोर्टेशन दिया जाता है उसको GI टैग दे के. राइट, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है. राइट, तो ये इसलिए इस मोटिव से GI टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है. राइट, अभी GI टैग कौन देता है, कौन से एक्ट के अंदर में देता है, कौन से एग्रीमेंट के अंदर में देता है, उसके बारे में बात करता है. कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई द गुड्स हैविंग द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफाइनेड जियोग्राफिकल टेरिटरी. गुड्स की जिसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो भी वो ऐसे गुड्स है कि एक स्पेशल जियोग्राफिकल टेरिटरी के ऊपर ही वो ग्रो होते हैं, तो ऐसे गुड्स को यहाँ पे GI टैग दिया जाता है. राइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रिलेटेड टू द गुड्स इन द इंडिया. तो अभी ये GI टैग जो गुड्स को दिया जाता है, तो वो कौन से एक्ट के अंडर में दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर में. राइट, और ये GI टैग देता कौन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है. उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS. WTO के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS, और इसी एग्रीमेंट के अंदर में एक एक्ट बनाया गया है
जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1989, और उसी एक्ट के अंडर में जीआई टैग दिया जाता है ये ऐसे प्रीशियस प्रोडक्ट को, राइट। ओके, अगर मैं जीआई टैग की वैलिडिटी की बात करूँ तो अगर एक बार कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहती है? 10 साल तक रहती है, राइट। फिर उसको रिन्यू किया जा सकता है। अगर मैं उसके सिग्निफिकेंस की बात करूँ कि जीआई टैग अगर कोई प्रोडक्ट को मिल गया तो उसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है उसके बारे में बात करते हैं। कि वंस ए प्रोडक्ट गेट्स दिस टैग एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट बी सेल अ सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम, राइट। एक बार अगर इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो कोई पर्सन, कोई दूसरा पर्सन या तो फिर कोई दूसरी कंपनी कैन नॉट सेल अ सिमिलर आइटम अंडर दैट सेम नेम, राइट। ओके, जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स इट लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट द अनऑथोराइज यूज बाय द अदर्स। कि अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा पर्सन अनऑथोराइज इलीगल वे से यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना होता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। जीआई टैग हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, बराबर ना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉरेन कंज्यूमर है जिसको पता है कि भाई इंडिया के अंदर ये मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, WTO ने उसको दिया है, तो मतलब उसके अंदर कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तभी दिया होगा ना, तो इसके लिए उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कम्फर्ट टू द कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को पता है कि भाई इसको जीआई टैग मिला है तो उसको एक कम्फर्ट रहता है कि भाई नहीं, ये तो ऑथेंटिक चीज़ है, राइट, उसके अंदर कुछ मिलावट वगैरह नहीं हो सकती। ओके, तो अगर मैं मिथिला मखाना की बात करूँ तो मिथिला मखाना और मक्खन, राइट, इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ द एक्वाटिक फॉक्स नट कल्टिवेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ द बिहार एंड नेपाल, राइट। ये मिथिला मखाना बिहार और नेपाल के अंदर वो ग्रो होते हैं। मखाना इज वन ऑफ द 3 प्रेस्टिजियस कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द मिथिला। मिथिला के अंदर 3 कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, उसमें से एक है मखाना, एक तो पान, मखन एंड मच्छ, राइट, फिश, बराबर। ये 3 चीज़ें मिथिला की बहुत फेमस है, उसमें से ये मखाना को जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं कि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, HFC बस, राइट। अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अभी HFC क्या है सबसे पहले तो वो जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द हाइड्रोजन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। फ्यूल सेल्स वर्क इन अ सिमिलर मैनर टू कन्वेंशनल बैटरीज फाउंड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट दे डू नॉट रन आउट ऑफ द चार्ज एंड डोंट नीड टू बी रिचार्ज विद द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फ्यूल सेल्स है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी काम करती है उसी तरीके से काम करता है कि जिस तरीके से वो बैटरी कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट, उसी तरीके से वो काम करता है, लाइक। लेकिन यहाँ पे ये फ्यूल सेल को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, और उसको वो डिस्चार्ज भी नहीं होता, राइट। ओके, तो दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज देर इज अ सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हाइड्रोजन का सप्लाई मिलता रहेगा तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, राइट, उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। ये देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मेन काम क्या है? हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। और आपको पता है कि हाइड्रोजन कहाँ से मिल सकता है? H2O से। अगर हम पानी को स्प्लिट करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर उस हाइड्रोजन का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो H2O का तो सोर्स हमारे पास बहुत सारा है, तो हम उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी अगर H2O को स्प्लिट करने के लिए आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और H2O को स्प्लिट करने के लिए अगर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की गई है, तो ये जो हाइड्रोजन हमको मिला इस एक्टिविटी से, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर हमने हाइड्रोजन को बनाने के लिए H2O को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं,
और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। वरना अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई ट्रेडिशनल मेथड से प्रोड्यूस की गई है तो वो हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, ग्रे। तो दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन और ग्रे। वो डिपेंड करता है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट की है, कौन राइट कौन से मोड से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अभी लॉन्च की गई है, एक्चुअली ये पुणे के अंदर लॉन्च की गई है। तो कौन से मिशन के अंदर में लॉन्च की गई है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के अंदर में ये लॉन्च की गई है, राइट, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के अंदर। ओके, और ये बस को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड KPIT एंड इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उनके द्वारा ये बस को डेवलप किया गया है। ओके, अगर मैं नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करूँ तो 2021-22 के बजट के अंदर इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, टू ड्रॉ अप ए रोड मैप फॉर द यूजिंग द हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स। हाइड्रोजन का हम एनर्जी सोर्स की तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें के अंदर हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा बहुत है हमारे पास, क्योंकि हम हाइड्रोजन मेनली कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आपको इस विषय के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी एक नई डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च की गई है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ हैंडेड ओवर द सेवरल न्यू डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग द F-INSAS, निपुन माइंस एंड द लैंडिंग क्राफ्ट एसोल्ट टू द इंडियन आर्मी एज अ पार्ट ऑफ द आर्मीज मॉडर्नाइजेशन प्लान, राइट। तो ये तीन चीज़ें अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंडियन आर्मी को हैंड ओवर की गई है। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है F-INSAS। F-INSAS क्या है कि एक प्रोग्राम है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम एक प्रोग्राम है F-INSAS। एक्चुअली प्रोग्राम के अंडर में एक सोल्जर होता है, एक उसकी यूनिफॉर्म की कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, राइट। कि एक सोल्जर ने एक यूनिफॉर्म पहना है तो वो अपने पास जो इक्विपमेंट्स लेके घूमता है तो एक कन्वीनियंटली मैनर में वो लेके घूमे, ऐसा उसका यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा उसके डिफेंस कैपेबिलिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव की गई, कि फॉर एग्जांपल हेलमेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स बनाए हैं, गोगल्स, बैलिस्टिक गोगल्स बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की गई है, यूनिफॉर्म की कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ाई गई है F-INSAS के अंदर, राइट। तो क्या क्या किया है चलो उसके बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो AK-203 असॉल्ट राइफल, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट राइफल है जो सोल्जर को लेके घूमना पड़ता है, वो यूनिफॉर्म के अंदर वो इजीली वो एक कन्वीनियंट जगह पर रख सके, इसके लिए एक ऐसा यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया है, AK-203 असॉल्ट राइफल। मल्टी मोल्ड हैंड ग्रेनेड, वो कोई जगह पे अच्छी तरीके से छुपा सके जो दुश्मन को पता ना चले ऐसी जगह पे, तो इसके लिए एक पॉकेट भी, मतलब एक सीक्रेट पॉकेट भी बनाया गया है, राइट। फिर बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गोगल्स, ये बैलिस्टिक और हेलमेट और बैलिस्टिक गोगल्स क्या है, तो ये हेलमेट और गोगल्स के ऊपर 9 mm की अगर गोली भी लगे फिर भी ये हेलमेट को कुछ नहीं होगा और गोगल्स को भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कैपेबिलिटी वाले हैं हेलमेट्स और गोगल्स हैं। ओके, ऐसा ही सेम मॉडल US और UK के द्वारा पहले अनाउंस किया गया है। US ने अपने आर्मी के लिए लैंड वॉरियर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और उसके अंडर में ऐसे मॉडिफाइड यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए थे, और UK ने फीस्ट, फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी, और इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री है जिसने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पे यूनिफॉर्म डिज़ाइन होगा आर्मी का, राइट। तो ये गोगल्स जो है वो बैलिस्टिक है, ये हेलमेट जो बैलिस्टिक है, ये AK-203 राइफल वो अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है, बराबर ना। ओके, और जो हैंड ग्रेनेड्स जो बॉम्ब होते हैं उनके हाथ में, बराबर ना, वो भी एक सीक्रेट जगह पे वो छुपा सकते हैं, राइट। ओके, टेक्नोलॉजी निपुण माइंस के बारे में बात करूँ तो ये निपुण माइंस क्या होता है कि ये जो निपुण माइंस है ना, ऐसा ही सेम माइन है ना, बटरफ्लाई माइंस है। बटरफ्लाई माइंस किसके द्वारा, रशिया के द्वारा बनाया गया है। तो एनिमी को ऐसा ही लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने बटरफ्लाई माइंस अपने यहाँ
अटैक करने के लिए छोड़ा, राइट, तो एनिमी को ऐसा ही लगता है कि कोई बटरफ्लाई उड़ता उड़ता आ रहा है, और जैसे ही वो गिरेगा कोई जगह पे तो एक ब्लास्ट कर देगा। तो एक मतलब ना उसको गुमराह करने के लिए ये इस टाइप के माइंड्स बनाए जाते हैं, राइट। ओके, तो एक एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंड्स होते हैं, और ये निपुण माइंड्स एकदम छोटे छोटे होते हैं कि आप दूर से आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई एक पत्थर छोटा सा आ रहा है, राइट, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो एक बड़ा सा ब्लास्ट कर लेता है, बराबर ना। तो एक एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंड्स आप उसको बोल सकते हो, जैसे निपुण माइंड्स भी इंडियन आर्मी को अभी दिए गए हैं। फिर लैंडिंग क्राफ्ट एसोल्ट क्या है, तो ये जगह पेंगोंग सो लेक, जो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी उसके लास्ट सीन के अंदर जो लेक है ना, जो आमिर खान जहाँ पे घूमता है, राइट, जिस जहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी है, बराबर, जहाँ पे वो पढ़ाता है, तो ये पेंगोंग सो लेक, और ये यही रीजन है कि जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में छोटे मोटे फाइट्स होती रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड रीजन है, बराबर ना। हाँ, तो इस रीजन के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए अभी हम जो हमारे पास जो कैपेबिलिटी है ना, एक सिंपल बोट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने पेंगोंग सो लेक के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए एक लैंडिंग क्राफ्ट एसोल्ट दिया है बोट की जगह, मतलब वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है। ओके ओके, तो ये कुछ डिफेंस सिस्टम, एक लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किए गए। इसमें से एफ इंसास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।